सुले आला आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलावत बुलंद आवाज़ से पढ़ो सुभान الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أنبيائه ورسله أجمعين खुले दिल ना पढ़ो सलावत अले मुहम्मद वाला वजीर ही व खलीफत ही व इब्ने अम्मे ही अमीर अल-मोमिनीना वाई मामल मुत्तकी नाली अनवली अल्लाह उच्चे आवाज ना पढ़ो सलावत अली रे सलाम अस्सलातु वस्सलाम अला सैयदतिल जलीलतिल मखदूमतिल मजलूमातिल महरूमात हक्के अमीरा से अबिया फातिमात जहराए अल्लाहुमा सैयदतिन निसाइल आलमीन सैंदी जात अखी बंद करके सलावत अस्सलातु वस्सलामु अला हुसैनिल गरीबिल मज़लूमिल मक़तूलिल मजरूहिल बेअर्ज़ करबला वा उख्ते ही ज़ैनब الذي قال وقت وداعه من الخيام يا زينب ويا ام كلثوم ويا سكينه عليكن من السلام ولعنت الله على بشمار आदाए मजमाइन मिन यौम नाज़ा इला यौम दीन अम्मा बाद फकद काला रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फतफ्तार को मती सलासा व सबाइना फिरका कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिद सलवात बार मुहम्मद व आले मुहम्मद क्या बताए हमें आले अबा क्या देते हैं थोड़ा जा जागना इस गल का अजर पाक बतूल दे सकते हैं छोटे छोटे बच्चे लैके मेरिया मावा मेरिया बहना मेरिया धीया मेरे सज्जनों दोस्तों अध रात वेले मिट्टिया ते बह के हुसैन हुसैन करन दा अजर जहरा सैन ही दे सकते किसी बंदे को इस गल का अजर नहीं दुनिया सानू आदि ये कमले निशी आ बूहे बंद करके हर वेले धीया नू लैके मिट्टिया ते बह के हुसैन हुसैन कर देन इन्हां नू पुछो इन्हां नू लभदा की है तो मैं दसन लगा भी सानू लभदा की है क्या बताए क्या बताएं हमें आले अबा क्या देते हैं मुख्तसर ये है कि खालिक से मिला देते थोड़ा जा जागरण याद रखो सर थोड़ी जी को बता ये थोड़ी गल है जो सानू खालिक नल मिला देते हैं जी मैं फिर पढ़ रहा अगले दो मिसाल मैं फिर दसन लगा सानू होर की दे देन
क्या बताए हमें आले अबा क्या देते हैं। मुख्तसर ये है कि खालिक से मिला देते हैं। अर्ज करे या साहिब जूदो सखा बेश बहा देते हैं। अरे खाक भी देते हैं तो खाके शिफा मेहरबानी करो ना, बहुत शुक्रिया जी। मैं सदके जा मैं फिर पढ़ना। क्या बताएं हमें आले अबा क्या देते हैं। मुख्तसर ये है कि खालिक से मिला देते हैं। अर्ज करे या साहिब जूदो सखा बेश बहा देते हैं। खाक भी देते हैं तो खाके शिफा देते हैं। सलवात हुसैन सरदार दी ज़ात ते बुलंद हो। है जिंदगी मेरे ताबे तभी मैं जिंदा हूं। करबला दे मैदान च अली दे बचड़े नु मार के हर गली हर मोड़ हर कूचे ते खलो के इन्ना आख्या जो असा हुसैन नु मार छोड़िया, मगर ओनू तुसी किवें मार सकदे हो जिहड़ा खुदा नू जिंदा करे। बोलो तो सही ना, वो किवें मर सकदा है जिहड़ा अल्लाह की पहचान करवाए। मगर नेज़े दी नोक ते ज़हरा दे चन्न इक गल कीती, वह मैं रुबाई की शक्ल ही सुना रहा। है जिंदगी मेरे ताबे तभी मैं जिंदा हूं। कज़ा भी है मेरी बांधी जब ही मैं जिंदा हूं। अर्ज करया हुसैन लेज पे पढ़कर कुरान कहते रहे यजीदियत को बता दो अभी मैं जिंदा हूं। हाथ खड़ा करके नारा है नारी बिस्मिल्लाह। हुसैन बादशाह वस्ता रखन जो राज एक रुबाई और पढ़ा ना आश्कार हुआ इन्ना माँ के बाद इन्ना माँ वलीयुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस्सलात व युतुनुज़्ज़कात व हुम राकिऊन। एक मैं अल्लाह वली हूँ, दूसरा मेरा रसूल वली है, और तीसरा वली है जिस हालत रकूच ज़कात अता फरमा। यानी तरतीब इस तरह है कि पहले अल्लाह, फिर दरमियान च पाक रसूल, और फिर आखिर ते मुर्शिद। बोलो तो सही ना, अली बादशाह। जो राज आश्कार हुआ इन्ना माँ के बाद समझा हूं मैं तसर्रुफ़े फिक्रो रसा के बाद। इस राज नूं मैं अकल फिक्र ला के समझिया। केड़े राज नूं? जो राज आश्कार हुआ इन्ना माँ के बाद समझा हूं मैं तसर्रुफ़े फिक्रो रसा के बाद। केड़ी गल? अर्ज करया अल्लाह और अली में बस इतना सा फर्क है, वो मुस्तफा से पहले है ये मुस्तफा के बाद। सारे बोलो हैदरी। सुभान अल्लाह। यो हक कह साइया का जिक्र सुनंदा जहरा दा चंद सादा देस घर नूता क्यामत शाद और आबाद रखे। इस अंजमन नू आबाद रखन जड़ी ए आजादारी की कोशिश मसरूफ है। इन्हां बच्चियां दी हुसैन सरदार जिंदगी करन जड़े इस फूड़ी नू भी छावन आले ने। तो मैं दो कसीदे पढ़ लूँ जी जी, ये भी जरूर पढ़ सा जिवें हुकम।
जनाबे सैयद साजदीन का जमाना है। सलवा सारे पढ़ो मिल के सैयद एक मोमन है जड़ा बहुत गरीब है, इतना गरीब कि अक्सर वो घर फाके होना। दो मिनट की गल करके मैं कसीदा पढ़ लगा। आप मोमन है मगर इसकी औरत मोमना नहीं। रोजाना अपनी बीवी के सामने अपने बच्चों को बहा के एक सबक देवे कि मेरे बच्चे साढ़े मुर्शद मदीने वाले सैयद और उन्हां तो वड्डा लजपाल अल्लाह कायनात ते बनाया ही नहीं। यह दर्स अपने बच्चों को बीवी के सामने बहा के दवे। एक दिन खारिज को फाका आया, उसकी औरत आख्या रोजाना बच्चों को सबक देना है, साढ़े मुर्शद मदीने वाले सैयद बड़े वड्डे लजपाल हैं, अगर वो एडे वड्डे लजपाल हैं क्या वह साड़ी गरीबी नहीं कट सकते। उस आख्या सारी कायनात की गरीबी वो कटते। उस आख्या जा फिर अपने मुर्शदा नु आख साड़ी गरीबी दूर करन। तवज्जो औरत दे आखे लग के टुर पिया। चंद कदम दूर जाके जहन च गल आई कि जाहिल आदमी पागल औरत दे आखे लग के टुर पिया है। ओए इमाम कुल ता जा जे इमाम तेरे हालात नहीं जान दे। जे इमाम तेरे हालात नहीं जान दे। वापस हट आया। एक दो दिन बाद फिर कोई फाका आया, औरत फिर ताना दिता, फिर टुर पिया। चंद कदम जाके फिर जहन च वो गल आई कि एवं टुर पिया इमाम को ता जा जो तेरे हालात नहीं जान देता। त्रीजे दिन जड़े लिफाक आया, उस औरत एक ताना दिता। उस आख्या तू कूड़ मारना बच्चों नाल, ना तेरे मुर्शद लजपाल ने ना किसी की गरीबी कट सकते, नकले कुफर कुफर ना बादशत। अगर कट सकते तो जा अपने मुर्शदा नु आख साड़ी गरीबी दूर कर। फिर औरत दे आखे लग के टुर पिया। चंद कदम ते जाके फिर वो गल जहन च आई कि पागल आदमी क्यों टुर पिया, इमाम तो तेरे हालात जान देन। वापस हटता पिया ज कंड पिछों आवाज आई, वापस ना जा मुर्शद बुला रहे। वल के डिठो त सैयद साजदीन का नौकर आया खला सले आला सैयद नौकर की आवाज आई, मुर्शद दरबार च बुला रहे। आके सैयद की कदम बोसी की थी। उस सैयद फरमाया कि रोज जो घरों टुटता रहा है, हटता क्यों रहा। उस आगे जी टुटता तो इस वास्ते रहा, तुम्हें पता ना इन्हों की मननी तो पी। हटता इस वास्ते रहा जो कायनात दे इमाम हो, सारी कायनात तुहाडे सामने इवें जिवें तुहाडे सामने हथेली है। क्या तुसा मैं गरीब के हालात तो वाकफ नहीं। सरकार फरमेंदन फिर तेरी गरीबी कट ना देवा। उस आख्या मौला बच्चे जिमनी सरकार नौकर नु आख्या अंदर मेरा खाना पिया है, उहदे चो दो रोटियां चा के लै आ। ये जमां दियां सुकियां होईयां रोटियां कड़क सुकियां, अल्लाह जाने कदों दियां। इस तरह सैयद हाथ च रोटियां नप के फरमेंदन, ये रोटियां लै जा तेरी गरीबी दूर है। अगर उनका कच्चे ईमान का बंदा जिमें अजकल होंगे तो जरूर आंदा है गरीबी पर कट दो या मैनू भी घरों कटाओ। समझ गया है सैयद के हाथ च रोटियां नहीं है, तख्त सुलेमान। बिस्मिल्लाह पढ़ के सैयद के हाथ च रोटियां नपियां, दुआवां देंदा आया टुर पिया। बाजार एडिटर खत्म हो गए, गल मैं कसीदे ते आ गया। एक मछली आला एक मछली का दाना इस तरह लटकाई खलाए और होका खला देंदा, जड़ा ये मछली लाएगा ये बहुत सस्ती है। कोर खलो के आता जे एडी सस्ती तो एक रोटी तू चल आए, मच्छी मैनू दे। उस रोटी लीले ही मछली दे दी। चंद कदम ते कोई नमक की दुकान आई, उसनू आता दूजी रोटी तू लाए मैं थोड़ा जा नमक दे। नमक ते मछली चा के घर आया, वेहड़े च पैर रखे, औरत की नज़र पई। आदि गया इमाम कोल,
आदा गया की सैयद गरीबी दूर इतमान ना आदा कर छोड़ी ने किवे उस आख्या पहले मछली पकड़ बच्चों का खाना बना बल मैं तेन आराम ना डसे ना छुरी या चाकू ना मछली का पेट चाक करे ते मछली के पेट चो जवाहरात निकले हाथ ते जवाहरात रख क्या दी जल्दी आ साड़ी गरीबी निकल गई अज गल्ला पे कर दे जब दरवाजे ते तक लुबाब होया आ कट वेखियो ते वो मछली लाया खलाए उस आख्या भाई आ जड़ी रोटी तू मैनु दे आया ये मेरे तो नहीं खाती रोटी वापस लै ते मछली मैं तेनू माफ की थी। या रोटी लैके जे बैठा नहीं जे दरवाजे ते फिर तकुल बाप होया आके वेखे तो नमक ला उसा क्या रोटी तो मेरे वास दा रोग नहीं तू ले लै ते नमक मैं तेनू माफ किया जग ना जांगा ने उन्हें हुसैन लैके जे बैठा नहीं तो दरवाजे ते फिर तक लुबाब होया आके वेखे ते सैयद साजदीन दा ओ नौकर आया खलोता है सैयद ते नौकर की आवाज आई मुर्शिद पै दे नहीं तेरा काम हो गया साडियां रोटियां वापस तो इस दर तो मंग के ता वेख खलूस नल झुक के ता वेख इतों झुक उतो नहीं मुनाफकत न कर साइया नाल अगर पाका नु मन नहीं तो दिलो मन ठीक है ना मैं गलत बयानी नहीं पे करता मैं हक दी गल पे मिंबरे हुसैन ते करना इस घर तो रिस्क लभदा है इस घर तो दौलत लभदी इस घर तो औलाद लभदी इस घर तो सेहत मिलती इस घर तो जन्नत मिलती है इस दर तो सुख मिलते ने तो जे इन्हों दुश्मनी करेगा तो सिर्फ जहन्नम मिल सी इस घर तो मौजज़े भी अता होंगे ये मैं अवे गल नहीं की मैं छोटी जी गल करके कसीदा पढ़न लगा मौजज़े की तौर पर भी मौजज़े किवें अता होंगे जनाब मीसा में तमार नू मुर्शद अली ने एक मौजज़ा अता फरमाया सरकार फरमाते ने मीसा तू जिस बंदे नू वेख से तेनू पता लग जाएगा कितने मरसी कड़ा मरसी और किवें मरसी तो मीसम बाजार खजूर पे बेच देन हबीब इब्ने मज़ाहिर पाक रसूल दे बुढ़े सहाबी कमर झुकी हुई बाजार टुरदे आते मीसम की नज़र पई आदा तेरे को एक मौजज़ा है अज बुढ़े सहाबी ते रो पा कोलो जो हबीब टप्पेन मीसम हबीब के पास वेख के आदन मैनू एक बजुर्ग नज़र आ रहा है जिदी करबला च तलवार नाल शहादत होसी और दाढ़ी खून नाल रंगीन होसी हबीब फौरन पलटे और मीसम दे पासे वेख्या दिन मैनू भी एक जवान नजर आ रहा जिन्हों विलाए अली च सूली लटकाया तो आले मुहम्मद नूं सही तरह झुकता सही इश्क तां कर साइयां नाल क्योंकि साइयां फरमाया कि मुवद्दत करो आले मुहम्मद नाल मुहब्बत नहीं मुवद्दत करो क्योंकि मुहब्बत और मुवद्दत च बड़ा फर्क है मुहब्बत किसी वजह तो टूट भी जाती है मियाँ बीवी तलाक हो जाती है दोस्त लड़ पैंदे न आपस च मुहब्बत होंदी है नहीं रहिंदी मगर मुवद्दत वो चीज़ है जड़ी मरण तो बाद भी नहीं खत्म होती मासूम फरमाते ने मछली नू पानी नाल मुवद्दत है उन्हों पानी चो कढ़ो मर वैसे पका के खा लो जितनी देर मेदे च रासी तस लगती रासी पानी मंगती रासी इसका मतलब है मछली का मरण तो बाद भी पानी नाल मुवद्दत का सिलसिला नहीं टुटता तो साइया नाल मुवद्दत कर अगर पाका तो लेना ही तो साइया अगे सही मानिया च झुक